नमस्कार मित्रों, गायत्री स्कूल एवं गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुप्त साम्राज्य के भाग दो में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति केपी जायसवाल, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा व हेमचंद्र राय चौधरी, रोमिला थापर जैसे विद्वानों के तर्क को अपने पढ़ा और उन्होंने अपने अपने तरीके से गुप्त वंश के शासकों का बहुमान है वो किया था। उसके बाद अपन ने श्रीगुप्त, घटोत्कच एवं चंद्रगुप्त प्रथम तीन शासकों का अध्ययन इससे पहले वाले वीडियो में किया था। आज हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। अब समुद्रगुप्त कार्यकाल आपको ध्यान है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। किसका कार्यकाल? समुद्रगुप्त का। कितना? 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। प्यारे विद्यार्थियों, ये समुद्रगुप्त हैं, ये गुप्त काल के एक महान शासक माने जाते हैं। इनमें अपार बल, शौर्य, पराक्रम, कूटनीति के साथ साथ दया करुणा का भाव भी देखने को मिलता था। कुशल प्रबंधक एवं ऐतिहासिक विजेता होने के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना भारत के नेपोलियन से की है। अर्थात विंसेंट स्मिथ ने इनकी कार्य प्रणाली, कार्य कुशलता, युद्ध नीति, एक सच्चे व वीर योद्धा होने के कारण इनसे प्रभावित हुए और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, इसके अलावा समुद्रगुप्त ने वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया और उन्होंने समय समय पर आश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ जैसे कई यज्ञ करवाए जो भारतीय ग्रंथों में बहुत पतित और पावन यज्ञ माने जाते हैं और उनके यज्ञों के आयोजन के अवसर पर अश्वमेध पराक्रमांक जैसे उपाधियां धारण की थी। समुद्रगुप्त का ननिया लीचियों में था, इसलिए इन्होंने अपने आप को लीचवीर दोहिंद्र की उपाधि से भी विभूषित किया था। इसके अलावा सर्वराजोत्सेता यानी जो अपनी इच्छा से ही कार्य करे, सर्व कार्य में सिद्ध हो, ऐसी उपाधियां समुद्रगुप्त ने धारण की थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश में एक महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। इनके काल की हमें तमाम जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि जिनका नाम था हरिश्यम। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जिनका नाम हरिश्यम था, जिन्हें समुद्रगुप्त के दरबार में महासंधि विग्रह का पद दिया हुआ था। महासंधि विग्रह का अर्थ होता है युद्ध एवं
प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एवं महासंधि विग्रह हरिशयन द्वारा की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में और चंपू शैली में लिखी गई थी। प्रयाग प्रशस्ति कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और शैली कौन सी थी? चंपू। चंपू शैली का अर्थ होता है गद्य व पद्य का मिश्रण। इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विधियों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं व दक्षिणावर्त के 12 राज्यों पर अधिकार किया था, यह जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को जीतने के लिए आर्यावर्त राज्य प्रसबोधरण, याद रखना आर्यावर्त राज्य प्रसबोधरण की नीति को अपनाया था एवं दक्षिण के 12 राज्यों को जीतने के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अनुसरण किया था। अब ये नीति क्या होती है इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए, दक्षिण भारत में ग्रहण मोक्षानुग्रह, इसमें 3 नीतियां। पहली है ग्रहपाणा। ग्रहण का अर्थ है कि शत्रु राज्य पर आक्रमण करना और आक्रमण करके उसे पराजित करना और पराजित करने के बाद उसे अपने अधिकार में लेना। कौन सी नीति हुई? ग्रहण की नीति। इसी तरह से मोक्ष, शत्रु पर अधिकार करना और अधिकार करने के बाद जब वह दया याचना करता है, झुक जाता है, तो उसे माफ कर देना। दानशीलता, एक सच्चे शासक का परिचय देना और उस कमजोर राजा को है वो मुक्त कर देना। कौन सी नीति हुई? मोक्ष। तीसरी है अनुग्रह की नीति। अनुग्रह का मतलब होता है कुछ ले देकर, अर्थात राजा संबंधित राजा से उपहार व वस्तुएं या धन आदि प्राप्त कर उसका राज्य उसको वापस लौटा देना। एक शूरवीर राजा की नीतियों का पालन समुद्रगुप्त ने किया था। तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त की विधियों का उल्लेख कहां से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिशयन। आर्यावर्त के राजाओं को जीतने के लिए कौन सी नीति लागू की थी? आर्यावर्त राज्य प्रसबोधरण की नीति। दक्षिण के राजाओं को जीतने के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। समझ में आया? अब देखिए, समुद्रगुप्त की हिंदू धर्म में अत्यधिक रुचि थी, इसलिए इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए और सिखों पर अश्वमेध पराक्रमांक जैसे शब्द अंकित करवाए थे। इसके अलावा समुद्रगुप्त स्वयं कुशल वीणा वादक थे, इस कारण से उन्होंने वीणा वादक सिक्के भी
प्रचलित किए थे। अब देखिए आर्यावर्त के इन नौ राजाओं को पराजित किया था, उनमें रुद्रदेव, मति, नागदर, चंद्रवर्मा, गणपति, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा जैसे आर्यभट्ट के नौ राजाओं को पराजित किया था। ओके, फिर देखिए दक्षिणाव्रत के 12 राज्य कौन कौन से, कोशल, महाकांता, कोरल, कोट्टूर, पिष्टपुर, एरंपली, कांची, अवमुक, वेंगी, पल्लक, देवराष्ट्र, कुस्थलपुर जैसे 12 राज्यों पर अधिकार है वो किया था। याद रखना एग्जाम में इनमें से पूछ सकते हैं आर्यावर्त के नौ राजाओं का नाम, दक्षिणाव्रत के 12 राज्यों का नाम। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, हरिसेन द्वारा की गई थी। अब देखिए विदेशियों के साथ संबंध, समुद्रगुप्त ने विदेशियों के साथ भी कई संबंध स्थापित किए थे और उनकी नीति आत्मनिवेदन कन्योपायन की नीति के नाम से जानी जाती थी, जो उन्होंने विशेष तौर से शकों के साथ, मुरंड के साथ और सिंहद्वीप के राजाओं के साथ है वो की थी। इसका पता है कि समुद्रगुप्त के साथ मैत्री संबंध बनाना एवं आत्मनिवेदन करना, दूसरा कन्योपायन का मतलब है कि उनकी कन्याओं के साथ है वो विवाह करना आदि, ऐसी नीतियां इन्होंने वो चलाई थी। इसके अलावा बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था वसुबंधु असंग को उन्होंने अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को दर्शाता है। बहुत मस्त है समुद्रगुप्त। ठीक है, थैंक यू।